सुगंधी की वो बोली है जिससे दीप वाले की शो द कॉस्मिक क्रिएशंस शुरू होने वाला है, जिसमें ब्रह्मांड के कुछ संघर्ष के रूप आपको दिखाई देगा। इसलिए एक जरूरी घोषणा है कि अनुष्ठान चलने के समय आप अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखिए। प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन व्हेन द प्रेजेंटेशन इज ऑन। आई रिपीट, नक्षत्रों का निरीक्षण करने के बाद पूर्वजों ने बनाई कुछ विशाल इमारतें जो कैलेंडर हमारे चंद्रमा के जन्म को लेकर कितने सारे सिद्धांत हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया, समय काल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में, जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए, लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है
नक्षत्रों की तरह सूर्य की ऊर्जा भी सूक्ष्म कणों यानी प्रोटोन के टकराव से निकलती है। हर सेकंड सूर्य में असंख्य प्रोटोन टकराते और बुझते रहते हैं, जिससे असीमित परिमाण में ऊर्जा निकलती है। अधिकतर ऊर्जा सूर्य को प्रकाशवान बनाती है। इनमें से कुछ के कारण सूर्य की सतह पर चार्ज कणों की निरंतर धारा बहती है, जिसे सौर पवन कहते हैं, और जो करोड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से सौर मंडल में निकलती है। या कम अंतराल और तीव्र गति वाली सौर आंधी जो कणों को महाकाश में उड़ा देती है। अभी हम नासा के उपग्रह द्वारा खींची गई सौर आंधी की सच्ची तस्वीरें देख रहे हैं। उसे इधर देखा, सौर आंधी का बादल उपग्रह से टकराया और चित्र लेने वाले उपकरण पर छा गया। शक्तिशाली है कि इसका संपर्क मात्र ही हमारे वातावरण की ऊपरी सतह को उड़ा ले जाए, अधिकांश पानी सोख ले और धरती पर जीवन का विकास परिवर्तित हो जाए। लेकिन खुशकिस्मती से धरती की सुरक्षा करता है एक अदृश्य कुदरती कवच। अभी आप जो देख रहे हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक चित्र है। धरती के लौह अंतर्भाग के कारण हमारी धरती विशाल चुंबक की भांति काम करती है। कुछ चीजों को आकर्षित, कुछ को विकर्षित करती है। ये कवच सौर पवन से धरती को बचाता है, लेकिन कुछ कण इस चुंबकीय बाधा को पार कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर। परिणाम देखने लायक होता है, शानदार जगमगाते रंगीन पर्दे। इसे कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। सौर पवन और सौर आंधी से निकले आवेशित कण जब धरती के ऊपरी वातावरण से टकराते हैं तब वातावरण में मौजूद गैस आलोकित हो उठते हैं। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती की निचली कक्षा में परिक्रमा करता है। महाकाश में जाकर ध्रुवीय ज्योति को देखने वाले कम ही हैं।
क्या क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है, अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं, छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं, उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेस क्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाएं, तो स्पेस क्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। चलिए हम आकाश गंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वावलोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं हम पृथ्वी से 5,00,000 प्रकाश वर्ष दूर। देखिए आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। ये दो विशाल गैलेक्सियां एक दूसरे के दस गज ऊपर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे। इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह टकराते नहीं हैं, ये बहुत दूर होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पास आकर गुजर जाएंगे। आपस में टकराए गए हैं जिनसे दोनों गैलेक्सी
तो ये है कि हमारी गैलेक्सी भी दूसरी छोटी गैलेक्सियों के टक्कर से बनी है। इन टक्करों के बिना आकाश गंगा का अस्तित्व नहीं होता और शायद हम भी नहीं होते।